इस वीडियो में करने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित फ्रॉम लर्न मोर विद एमजे, जहां पे अपन बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो चैप्टर 3 रेशो एनालिसिस, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोज अपन ने क्वेश्चन 1 एंड 2 कम्प्लीट कर लिया था और सारे इलस्ट्रेशन भी कम्प्लीट कर लिए थे। तो आइए अपन क्वेश्चन 3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। The following accounting information and financial ratio of PQR Limited relates to the year ended 31st March 2023. अपन को कुछ accounting information यहाँ पे देके रखी है, जिसमें gross profit, net profit, raw material consumed, direct wages, stock of raw material, stock of net goods, debt collection period ऐसा देके रखा है, जिसमें कि gross profit अपन को बता के रखा है कि यहाँ पे 15% ऑफ सेल्स है, नेट प्रॉफिट 18% ऑफ सेल्स है और रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्क कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे COGS। ठीक है, आप ये बात यहाँ पे याद रखना, आप ये बात भूल गए तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। फिर जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन अपन को देखे रखी है यहाँ पे, फिर फाइनेंशियल रेशियो देखे रखे हैं, फिक्स एसेट टू सेल देखे रखा है, फिक्स एसेट टू करंट रेशियो, करंट रेशियो लॉन्ग टर्म टू करंट लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, इस अपन को देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ऑन 31st मार्च 2022 अमाउंटेड टू 26 लाख, अपन को क्या देके रखा है यहाँ पे, फिक्स असेट की वैल्यू देके रखी है 31st मार्च 2022 की, जो कि कितनी है 26 लाख यहाँ पे देके रखी है। प्रिपेयर दी समराइज बैलेंस शीट, अपन को यहाँ पे क्या बनाना है, सॉरी प्रिपेयर दी समराइज पीएनएल अकाउंट of the company for the year ended 31st March 2023 and also balance sheet as on 31st March 2023। ठीक है, तो अपन को P&L और balance sheet यहाँ पे दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो अपन आराम से करेंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसानी से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर यहाँ पे अपना होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना सॉल्यूशन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले पीएनएल का फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट यहां बना लिया, लिख और लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2022 और 23 था ना, हाँ 22 23। ठीक है, या फिर ईयर एंडेड 2023 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी हो जाएगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2023। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट तो जो जो चीजें देख रखे हैं वो लिख लेते हैं। अपन को सिर्फ यहाँ पे फिक्स असेट यहाँ पे देके रखा है, तो जब भी ऐसा बैलेंस शीट का या फिर पीएनएल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन को वो वाली इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है जो कि अपन को दी गई है, और फिर धीरे धीरे करके अपन इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो फिक्स असेट की अपन को देख रखे 26 लाख, तो बैलेंस शीट में आता है फिक्स असेट, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे फिक्स असेट अपन को हो गया यहाँ पे 26 लाख। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और कोई तो इन्फॉर्मेशन अपन को यहाँ पे देखे नहीं रखी, सब एक ही अमाउंट देख रहा था अपन निकाल लिया। अपन देखेंगे कि इस फिक्स असेट से रिलेटेड कौन से रेशो देख रखे हैं जिससे कि अपन फिक्स असेट से दूसरे दूसरी चीजें कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिक्स असेट टू सेल्स रेशो देख रखा है जिससे कि अपन सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स नंबरिंग के हिसाब से अपन करते जाएंगे। तो पहला कौन सा है, आ जाएगा अपना फिक्स असेट टू
सेल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट डिवाइड बाय सेल्स, तो ये कितना दे के रखा था अपना, 1:3 दे के रखा था, फिक्स एसेट 26 लाख डिवाइड बाय सेल्स, तो सेल्स चला जाएगा यहाँ ऊपर और 26 लाख और 3 यहाँ चला जाएगा इनटू में, तो सेल्स अपनी कितनी आ जाएगी, यहाँ से सेल्स आ जाएगी 26 × 3, तो ये आ जाएगी 78 लाख। यहाँ पे अपन ने क्या सेल्स कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो सेल्स किसमें आती है अपनी, सेल्स आती है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल ही बनाना है अपन को, तो यहाँ पे अपनी सेल्स आ जाएगी 78 लाख। याद रखना जैसे जैसे अमाउंट आते जाए तो आपको उसको बैलेंस शीट वाला अमाउंट हो तो बैलेंस शीट में, पीएनएल वाला अमाउंट हो तो पीएनएल अपन को पुट करते ही जाना, इससे अपन को बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था, फिक्स असेट टू करंट असेट, तो इससे अपनी करंट असेट की वैल्यू निकल आएगी, फिक्स असेट टू करंट असेट, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स असेट अपॉन करंट असेट, तो इसका रेशियो कितना दे के रखा है, 13:11, फिक्स असेट अपनी 26 लाख डिवाइड बाय करंट असेट, तो करंट असेट जाएगा यहाँ पे ऊपर 26 लाख 11 चला जाएगा एन टू में और डिवाइड में आ जाएगा 13 नीचे, तो ऐसे करंट असेट की अपनी यहाँ से वैल्यू निकल आई, कितनी आई निकाली, 26 लाख इंटू 11 डिवाइड बाय 13, तो आ जाएगी अपनी 22 लाख, यहाँ पे आ जाएगी अपनी करंट असेट, ठीक है। तो करंट असेट कहाँ पे आता अपना, बैलेंस शीट में, तो अपन यहाँ पे करंट असेट लिख देंगे, कितना है 22 लाख, ठीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई अपनी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल गया अपन को असेट साइड का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 26 और 22 कितना होता है, 48 लाख, तो जो अपना असेट साइड का टोटल होगा वही अपना लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा, तो यहाँ पे भी 48 लाख, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, अब काम करते हैं इनको थोड़ा अपन साइड करते, इससे स्पेस हो जाए अपने वर्किंग में बन पाए, ठीक है। हाँ अब तीसरा वर्किंग नोट बनाते हैं, तो तीसरा वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, करंट रेशियो का। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट तो अपने निकाल लिया है, तो यहाँ से अपनी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो कितना रेशियो देके रखा था, 2:1, 2:1, और करंट असेट अपन ने अभी नीचे ही निकाला था, आया था 22 लाख डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी जाएगा ऊपर और यहाँ पे 22 लाख इंटू 1 और अपॉन में आ जाएगा 2, तो करंट लाइबिलिटी अपना कितना आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी आ जाएगा अपना यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 22 से 1 का इंटू करेंगे तो 22 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा अपना 11 लाख, ठीक है। करंट लाइबिलिटी अपनी कितनी आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई अपनी यहाँ पे 11 लाख, ठीक है, आ गई करंट लाइबिलिटी, तो उसको भी अपन कहाँ लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, 22 है, 11 है, 11 लाख, ठीक है, करंट लाइबिलिटी आ गई अपनी 11 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लॉन्ग टर्म टू करंट लाइबिलिटी, तो अपनी करंट लाइबिलिटी निकाल ली, इससे अपन लॉन्ग टर्म लोन निकाल लेंगे अपना, तो चौथा लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन
करंट लाइबिलिटी, ठीक है, कितना देके रखा है, ये देके रखा है अपना 2:1, तो 2:1 लॉन्ग टर्म लोन यहाँ से निकालना है अपन को, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी निकाली अपन ने, 11 लाख, तो लॉन्ग टर्म लोन तो अपना 11 लाख ऊपर चला जाएगा ये इंटू टू में, तो लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा अपना 22 लाख, लॉन्ग टर्म लोन कितना आ जाएगा 22 लाख अपना लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन भी अपन लिख देंगे बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म लोन है अपना 22 लाख, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, अपन को देखे रखा है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का अपन को रेशियो देखे रखा है 1:4। सबसे पहले अपन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देके रखी है, तो देखिए यहाँ पे जो अपना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा, बैलेंस फिगर आएगा, तो 48 लाख, 48 लाख माइनस 11 लाख माइनस 22 लाख, ठीक है, तो कितना आ गया 15 लाख यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, रेशियो इनका 1:1:4 दे के रखा था, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे हो जाएगा अपना, वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा 5, तो जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस अपना कितना दे के रखा है, एक मिनट, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अपना आ गया कितना 15 लाख आया, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना, 15 लाख कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर आया है 15 लाख, तो यहाँ से रिजर्व निकाल लेंगे अपन, क्योंकि रेशियो 1:2 अपन का 4 दिख रहा है, मतलब टोटल 5 है, तो रिजर्व रिजर्व आ जाएगा अपना 15 लाख 1:4, क्योंकि रिजर्व का वो कितना था, रिजर्व का था 1 था, है ना, 1:4 था, मतलब टोटल मिला के 5 था, तो रिजर्व कितना आ गया 15 लाख × 4/5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 दोनों मिला के कितना होता है 5, तो डिवाइड बाय 5, तो इसका हो जाएगा 3 लाख, और सरप्लस का 15 लाख, इसका पार्ट कितना है, इसका है 4/5, 15 लाख/4/5, तो इसका हो जाएगा 15 लाख × 4/5, इसका पूरा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस भी निकाल लिए, रिजर्व आया अपना 3 लाख, रिजर्व आया अपना 3 लाख, और ये आ गया अपना 12 लाख। अगर जैसे कंफ्यूजन हो कि रिजर्व कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख भी लेना कि 48 लाख में से अपना कितना, 48 लाख में से 22 लाख गया और 11 लाख गया अपना, तो यहाँ पे आ गया अपना 15 लाख, ठीक है, भूलो नहीं, इसके लिए मैंने आपको ये नोट करा दिया। अब तो देखो यहाँ पे अपनी क्या हो गया, बैलेंस शीट तो अपनी पूरी यहाँ पर रेडी हो गई है, सब करंट एसेट में जो जो अपना करंट एसेट के अंदर जो जो आता है वो अपन को निकालना है, तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 5 वर्किंग नोट बन गए हैं, अब आगे के वर्किंग नोट अपन को बनाने पड़ेंगे, और साइड पे नीचे बना लें क्या, काम करते हैं थोड़ा अपन इसको करते हैं नीचे, मिनट पड़ी थोड़ी कमी, इसको अपन करते हैं और साइड में करते हैं, जगह है बहुत जगह है, ठीक है। तो 5वां 5 वर्किंग नोट हो गए अपने,
अपन देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या देके रखी है। सबसे पहले अपने वो ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है 15% ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 15% है सेल का, तो 78 लाख इंटू 15%, तो 78 लाख इंटू 15% तो हो जाएगा अपना 11,70,000। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है? नेट प्रॉफिट है 8% ऑफ सेल्स। नेट प्रॉफिट कहाँ आता है अपना? यह आता है अपना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, और यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 11,70,000, और यहाँ पे आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कितना? 8% है ना सेल का, तो 78 लाख। एक काम करते हैं, इसको करते थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 78 लाख इंटू 8%। ये सब जो जो इन्फॉर्मेशन देख रखी है उसके हिसाब से ही अपन निकालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6,24,000। ठीक है, आगे चलें, और क्या बोलता है अपना? रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 20% ऑफ 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब COGS। तो यहाँ पे छठवा जाएगा, बनने क्या निकला? रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट या फिर COGS। तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट कितनी है अपनी? मैंने बताया था अपना क्या बोलते हैं, जी सेल्स है, सेल्स कितनी? 78 लाख है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 15%, तो अपनी यहाँ पे COGS आ जाएगी या फिर वर्क कॉस्ट। तो 78 लाख माइनस 15% है ना, तो हो जाएगी 66,30,000। तो 66,30,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 66,30,000 इंटू 20%, तो आ गया अपना 13,26,000। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे लिख देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 13,26,000। ठीक है, तो देखिए मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम को क्या मतलब रहता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब रहता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे वही लिख दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब अपन ने तीनों लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया, परचेज भी लिख दिया, और माइनस क्लोजिंग भी लिख दिया, ठीक है, तीनों यहाँ पे लिख दिए। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है कि डायरेक्ट वेजेस कितने? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 10%, 10% है, तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफ वर्क कॉस्ट या फिर हो गया COGS बोलते हैं इसको। तो 10% इंटू 66,30,000, इसका 10 लाख कितना? 10% कितना हो जाएगा? 6,63,000। ठीक है, तो बेजिस भी हो गई अपनी, बेजिस भी कितनी किसमें आती है अपनी? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 6,63,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट वेजेस भी निकाल ली, और आगे क्या देके रखा है? और आगे अपना डायरेक्ट वेजेस भी निकाल ली, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो और क्या इन्फॉर्मेशन देके रखी थी? यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, कहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था डायरेक्ट वेज तक। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 3 मंथ का यूसेज, तो इसका क्या मतलब है? 3 मंथ का यूसेज का मतलब कि अपना मतलब इतना अपने पास अभी स्टॉक बचा हुआ होगा 3 मंथ के यूसेज के अलावा, मतलब स्टॉक इतना अपन मेंटेन करके चलते, तो उससे अपना क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, तो आठवा आठवा क्या आ जाएगा अपना? आठवा यहाँ पे आ जाएगा अपना क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे अपना एक कैसे आएगा, ये जो अपना रॉ मटेरियल आया था ना, यहाँ पे देखिए ये है अपना 3 मंथ के यूसेज के बराबर। तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम आया था वो है टोटल 12 मंथ के बराबर, तो 3 मंथ के बराबर कितना होगा, तो 12 मंथ में अपन 12 मंथ में अपन इतना यूज करते हैं 13,26,000। कितना? 13,26,000 इतना अपन 12 मंथ में यूज करते हैं, तो 3 मंथ में अपना कितना बचा होगा, तो 13,26,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 तो आ जाएगा अपना 3,31,500। तो अपना यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, तो अपन यहाँ पे करंट एसेट में अपना क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। इसको अपन दूसरे पेन से लिखें क्या, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 3,31,500। आगे देखते हैं, आगे कौन सी इंफॉर्मेशन देखी रखी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो, मतलब फिनिश गुड्स का स्टॉक इतना बचा रहा। तो नोवा वर्किंग नोट हो गया अपना स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जो कितना है अपना 6% है किसका, वर्क कॉस्ट का, या फिर बोल सकते हैं सीओ जीएस का। तो 6% कितनी थी अपनी, 66,000, सॉरी 66,30,000 इतनी थी ना। तो निकालिए 66,30,000 इंटू 6%, तो अपना कितना आ गया है 397,800। तो ये भी निकल आया अपना स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3,97,800। अब और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो डेप्ट कलेक्शन पीरियड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना देख रखा है, 60 डेज। इसकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, क्लोजिंग डेटर अपने कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर हो गया अपना यहाँ पे 10, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका क्या फॉर्मूला रहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, अगर जैसे डेज में देख रखा है तो 365 लेंगे, अगर मंथ में देख रखा है तो 12 लेंगे, और अगर जैसे वीक में देख रखा है तो 52 लेंगे। यहाँ पे अपन को डेज की बात हो रही है, तो अपन डेज में ही 365 लेंगे लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली अपन बाय डिफॉल्ट 365 ही लेते हैं, 360 नहीं लेते। और डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, तो ये दिया है अपना 60 डिवाइड बाय 365 अपना डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो जाएगा ऊपर, 365 डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 60। तो डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 365 डिवाइड बाय 60, तो अपना हो गया 6.08333। ठीक है, लास्ट तक 3 3 है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है, इक्वल टू 6.08333। ठीक है, तो अपन को जो सेल्स दे के रखी है, अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि टोटल सेल्स अपनी क्या है, टोटल सेल्स क्रेडिट पर ही है। आप चाहें तो नोट भी लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि अपन ने पूरी सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट ही माना है। 78 लाख डिवाइड बाय, देखिए जब भी ओपनिंग डेटा नहीं दिए रहते तो अपन एवरेज डेटर को ही यहाँ पे क्लोजिंग डेटा मानते हैं, ठीक है। अगर एवरेज डेटा ओपनिंग डेटा दिए रहते तो अपन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके क्लोजिंग डेटा निकालते, लेकिन यहाँ ओपनिंग डेटा नहीं देख रखे, इसलिए अपन एवरेज डेटर को यहाँ पे क्लोजिंग डेटा मानेंगे। तो 6.08333, तो 78 लाख ए और डिवाइड में आ जाएगा 6.08333,
और क्लोजिंग रेटर अपना चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर डिवाइड करिए 78 लाख डिवाइड बाय 6.0833 लाख तक ले जाना बिल्कुल, ठीक है, डिवाइड बाय, तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से अपना आ जाएगा 11 लाख, कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 78 लाख, 78 लाख डिवाइड बाय 6.08333333, तो अपना कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अपना 12,82,191, और आगे सेवन है तो 192, तो अपना यहाँ पे क्लोजिंग लेटर आ गया, ठीक है, तो क्लोजिंग लेटर कितना आ गया, 12,82,192, तो क्लोजिंग लेटर 12,82,192। तो देखिए अब अपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इसका भी यूज कर लिया, इसका भी, इसका भी, बाकी इनका भी, इनका भी, सब अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर लिया, अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन अब नहीं दे के रखी है, तो अपन जो भी अमाउंट आएंगे अपने आप वो बैलेंस फिगर में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस फिगर आया करंट असेट का, यहाँ पे वो कैश में आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो माइनस करिए 22 लाख माइनस 3,31,500 माइनस 3,97,800 माइनस 12,82,192, तो अपना आ गया है 1,88,508, ठीक है 1,88,508, तो अपना बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया, अपना आया पीएनएल की बारी, तो अब यहाँ पे जो अपना बैलेंस फिगर आएगा यहाँ पे आ जाएगा अपना कौन सा, ओवर हेड्स, ओवर हेड्स, ठीक है एक मिनट, ये आ जाएगा अपना ओवर हेड्स, निकालिए बैलेंस फिगर 78,000 सॉरी 78 लाख माइनस 13,26,000 माइनस 6,63,000 माइनस 11,70,000, तो अपना आ गया 46,41,000, 46,41,000, ये अपना आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। अब इसका बैलेंस फिगर आ जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंसिंग फिगर मानेंगे, तो 11,70,000 माइनस 6,24,000, तो अपना आ गया 5,46,000, ठीक है ये भी अपना बैलेंस फिगर आ गया, तो अपना यहाँ पे बैलेंस शीट और अपन ने पीएनएल दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और अपने 10 यहाँ पे वर्किंग नोट बने हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है उसको सबसे पहले अपन बैलेंस शीट रिपोर्ट कर लेंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन अपनी मतलब निकल के आ रही है उसको अपन पीएनएल या बैलेंस शीट में पुट करते जाएंगे, बाद में ऐसा नहीं कि सारे वर्किंग नोट बना ले फिर पुट कर रहे हैं, नहीं तो इससे अपना क्या हो जाएगा, गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे अमाउंट आते जाएंगे अपन पीएनएल और बैलेंस शीट में रखते जाएंगे, और फिर जैसे ही सारे अमाउंट निकाल लिए फिर जो भी अमाउंट बचेगा उसको अपन बैलेंस फिगर मानेंगे, ठीक है। और किसी को नोट करना है तो यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिए, और बाकी मैं इसका अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से जाके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। एक दो बार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, और कोई को भी किसी को भी कोई अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई दे दूंगा। और अगर जैसे बाय चांस मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो एक काम करिएगा, आप देखते होंगे कमेंट वगैरह, तो अगर किसी का कमेंट पढ़ के आपसे अगर बन रहा हो तो उसका प्लीज आप उसका आंसर दे दीजिएगा, जिससे एक दूसरे की आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन 3 को कर लिया कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, जब तक अच्छे से पढ़ाई मन लगा के करते रहिए।